ज्यादा ही सेलिब्रिटीज अपने प्रोफेशनल वर्क के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते हुए देखे जाते हैं। अक्सर देखा जाए तो फैंस जानना चाहते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के बारे में, उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी अरबों की संपत्ति के बारे में और साथ ही साथ जानना चाहते हैं उनके निजी रिश्तों के बारे में। मोबाइल देखा जाए तो इंडस्ट्री में वो तमाम सितारे हैं जो कि एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती की मिसाल देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं इंडस्ट्री में रिश्ते काफी मशहूर हैं। जहां एक ओर पति पत्नी का रिश्ता देखने को मिलता है, तो वहीं सास बहू, ससुर बहू, दामाद ससुर की खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में भी फैंस जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के चर्चित परिवार बच्चन परिवार के बारे में। बच्चन परिवार जो हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। बच्चन परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही नाम और रुतबा है और फिल्म इंडस्ट्री में बच्चन परिवार का बेहद खास योगदान भी है। इस बीच देखा जाए तो बच्चन परिवार अपने रिश्तों को बखूबी निभाने को लेकर भी जाना जाता है। जहां भी बच्चन परिवार जाता है तो वाकई में अपने परिवार के सदस्यों के साथ खूबसूरत और बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हुए देखे जाते हैं। इस बीच अगर गौर किया जाए सास बहू के प्यारे से रिश्ते की तरफ, यानी कि जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की तरफ, तो दोनों ही बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं सास बहू की इस प्यारी सी बॉन्डिंग के बारे में कि किस तरह से इन दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग को देखकर काफी अलग थलग महसूस करने लगते हैं जया और अमिताभ बच्चन के बेटे यानी कि जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशु राठौर। वेल, हमारे इस खास प्रोग्राम में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं अभिषेक बच्चन की एक इंटरव्यू के बारे में, जब अभिषेक बच्चन ने खुद खुलासा किया कि किस तरह से उनकी माँ जया बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। वह ना सिर्फ सास बहू हैं बल्कि एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए सास बहू की इस खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में। बॉलीवुड की गलियारों में चर्चित परिवार बच्चन परिवार का एक अलग ही नाम और रुतबा है। बच्चन परिवार जहां भी जाता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। बच्चन परिवार ने हमेशा ही अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं और बच्चन परिवार इन रिश्तों को सजोए रखने के लिए काफी मशहूर भी है। अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड की गलियारों में बच्चन परिवार के रिश्तों को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आती रहती हैं। बच्चन परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करते हैं और अपने इंटरव्यूज में भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेहतरीन बॉन्डिंग को लेकर खुलासा करते हुए देखे जाते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी अब तक कई राज खोल चुके हैं। अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था अपनी माँ जया बच्चन और अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरत बॉन्डिंग के बारे में। दरअसल सास बहू की ये प्यारी सी बॉन्डिंग बहुत ही खूबसूरत है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अभिषेक बच्चन कभी कभी इन दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग को देखकर खुद को काफी अलग भी महसूस करने लगते होंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने इंटरव्यू में अभिषेक बच्चन ने बताया था कि उनकी माँ जया बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन का अपना एक गैंग है। ये गैंग उन पर तब हावी होता है जब उनकी और ऐश्वर्या की लड़ाई हो जाती है। सास बहू जहां एक ओर एक दूसरे के खिलाफ होती है, तो वहीं ये सास बहू की प्यारी सी जोड़ी बहुत ही शानदार है। जी हाँ, कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हुए देखा जाता है सास बहू को, लेकिन ये प्यारी सी जोड़ी तो एक गैंग ही बना लेती है। अभिषेक बच्चन के मुताबिक सामने आया है कि इस गैंग का अपना
अपना ही एक रूल है और लैंग्वेज है। इससे कई बार अमिताभ और अभिषेक खुद को कटा हुआ भी महसूस करने लगते हैं। अभिषेक कहते हैं कि ऐश्वर्या और जया बच्चन तब एक हो जाती हैं जब घर में या तो उनकी लड़ाई होती है या फिर महिलाओं की कोई बात होती है। दोनों ही सास बहू टीम अप कर लेती हैं और बंगाली में बातें करना शुरू कर देती हैं। अभिषेक बच्चन कहते हैं कि दोनों ही बांग्ला भाषी हैं और क्या बात करती हैं उन्हें और उनके पिता अमिताभ को समझ तक नहीं आता है। और इस तरह से अभिषेक बच्चन भी काफ़ी अलग महसूस करने लगते हैं सास बहू की प्यारी सी बॉन्डिंग को देखकर। वर्ल्ड बताना चाहेंगे आप सभी को कि जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या से बेहद प्यार करती हैं। अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर जया ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि ऐश्वर्या बहुत ही प्यारी लड़की हैं और परिवार में घुल मिलकर रहती हैं। वेल, देखा जाए तो पब्लिक प्लेस में भी ऐश्वर्या का खास ख्याल रखती हुई देखी जाती है जया बच्चन। इन दोनों के रिश्ते की मिठास देखने को मिली थी साल 2010 में स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान, जब जया बच्चन ने गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी और उसी साड़ी को साल 2011 में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन ने पहना था। वेल, देखा जाए तो साल 2014 में स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान एक बार फिर से जया बच्चन ने उसी साड़ी को कैरी किया था। वल बताना चाहेंगे आप सभी को कि जया बच्चन जो ऐश्वर्या से बेहद प्यार करती हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या को अपनी बेटी श्वेता बच्चन के समान मानते हैं। और श्वेता बच्चन की जहां एक और शादी हुई थी तो उनका घर खाली हो गया था, तो वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन ने बच्चन परिवार के घर की उस खालीपन को ही खत्म कर दिया। और ऐश्वर्या अपने सास ससुर पर हमेशा ही प्यार लुटाती हुई देखी जाती हैं। और इस तरह से देखा जाए तो बच्चन परिवार में ये खूबसूरत प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा हमारी इस रिपोर्ट में कि किस तरह से अभिषेक बच्चन ने खुलासा किया कि उनकी पत्नी उनकी माँ के साथ किस तरह का बर्ताव करती हैं, किस तरह से बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। अक्सर देखा जाए तो खबरों के मुताबिक कई बार सामने आया है कि ऐश्वर्या और जया बच्चन के रिश्तों के बीच में दरार है, लेकिन ये तमाम बातें उन सभी बातों को खारिज करती हैं। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है और ऐश्वर्या अपनी सासू माँ जया बच्चन की बहुत इज्जत करती हैं, तो वहीं जया बच्चन भी अपनी बहू ऐश्वर्या से बेहद प्यार करती हैं। ऐसे कई मौके देखने को मिले हैं जब इन दोनों ही सास बहू की खूबसूरत बॉन्डिंग देखने को मिली है। आप सभी को जानकर कैसा लगा बच्चन परिवार का ये प्यारा सा बॉन्ड, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।